गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सरिता रूफ टॉप किचन गार्डन में। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं तो कई लोग शिकायत करने लग जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको दिख ही रही होंगी मधुमक्खियाँ उड़ते हुए बीज पूरा मेरे है ना वेजिटेबल फ्लावर्स में। तो इसी चीज़ पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि हम अपने जो किचन गार्डन या टेरेस गार्डन में नेचुरल पोलिनेटर्स को किस तरह से बढ़ाएं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आपके फ्लावर्स में वेजिटेबल्स में नेचुरल तरीके से पोलिनेशन होता है तो उसकी सक्सेस रेट भी ज़्यादा होती है। क्योंकि हम लोग हैंड पोलिनेशन करते हैं तो थोड़ा सा फ्लावर को छेड़ते तो हैं ही उस तरह से, चाहे कितने ही हल्के से करें हम लोग। और नेचुरल जो पॉलिनेटर्स होते हैं, बीज हैं, तितलियाँ हैं, भंवरे हैं, और भी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं पॉलिनेशन करते हैं जो, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते उसको, फ्लावर को। तो बड़े अच्छे से है ना आपका सक्सेसफुली नेचुरल पॉलिनेशन हो जाता है। और आजकल हम शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में तो बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं नेचुरल पॉलिनेटर्स, तो बड़ी समस्या होती है। कई बार बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फल है ना बिना बड़ा हुआ ही सड़के गिर रहा है। तो इसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि आपके फलों में जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपकी टेरेस गार्डन पे या किचन गार्डन में बीज की मात्रा बहुत कम है मधुमक्खियों की या ना तितलियों की, तो उस छोटे मोटे कीड़ों की भी, और इस वजह से आपके है ना पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो हैंड पॉलिनेशन उसका एक ऑप्शन तो होता है, पर क्या अच्छा हो अगर आपके पास इसी तरह से नेचुरल पॉलिनेटर्स हो। मैंने, मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अपनी छत पे है ना इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि है ना नेचुरल कि नेचुरल पॉलिनेटर्स मेरे यहाँ बहुत होते हैं, मधुमक्खियाँ भी, भंवरे भी, ततैए भी, छोटे मोटे कीड़े भी होते हैं, और तितलियाँ भी। मतलब सुबह के टाइम तो मैं बिल्कुल भरा रहता है मेरा जो है छत, और कई बार तो मुझे मधुमक्खियों की वजह से थोड़ा इधर उधर भी होना पड़ता है, क्योंकि डर भी लगता है इतनी सारी हैं तो है ना नुकसान ना कर दें। पर है ना फिर भी आपके प्लांट्स के लिए ये हर हालत में फ़ायदेमंद ही होता है नेचुरल पॉलिनेटर्स का होना, और मेरे पास काफ़ी हैं। फिर भी मैं आपको एक और तरीका आज बताना चाहती हूँ इसमें, जो आप थोड़ा अगर अपने छत पर नेचुरल पॉलिनेशन की प्रक्रिया को बढ़ा सकें, बीज को अट्रैक्ट कर सकें, बीज को, तितलियों को, तो आपकी सब्जियों में यकीनन उपज जो है आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो उसका पहला तरीका तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप 1 लीटर पानी में या जितना भी अंदाजे से लेना चाहें 1 चम्मच शहद डाल लें, उसमें अच्छे से मिला लें, और बिल्कुल नहलाना नहीं है अपने प्लांट्स को, पर बिल्कुल प्लांट की अपर वाली साइड जो होती है उस पर हल्का सा स्प्रे कर दें उसका। या फिर आपके जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसके अड़ोस पड़ोस में कोई दीवार है या कुछ और लगा हुआ है तो उसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो इससे क्या है काफ़ी मात्रा में अट्रैक्ट होती हैं ये मधुमक्खियाँ। और वो ये तरीका मैंने 1-2 बार अपनाया हुआ है, जब कई बार मुझे लगता है कि कम हो रही हैं बीज तो मैंने देखा है इससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, नो डाउट, और आपकी किचन गार्डन में अट्रैक्ट होती हैं बीज वगैरह। तो एक तो ये कर सकते हैं आप, शायद बड़ा कोई नुकसान भी नहीं करता आपके प्लांट्स को, अच्छी चीज़ है अगर आप हल्का सा स्प्रे करते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं करना, निलाना नहीं है प्लांट्स को, ऊपर वाली साइड पे उसकी पे अट्रैक्ट करने के लिए बीज को आप ये कर सकते हैं। शायद ना हो तो चीनी भी डाल सकते हैं, बट शायद हो तो बेटर है ना। तो एक तो ये काम कर सकते हैं अपन लोग बहुत अच्छे तरीके से उससे है ना थोड़े अट्रैक्ट, हर 10-15 दिन में आप अगर ये कर लें और फिर आपको लगे कि आने लगे हैं आपके जो प्लांट्स में कीड़े मकोड़े हैं या मधुमक्खियाँ या नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं जितने भी, तो फिर आप छोड़ दें उसको अगर आपको लग रहा है, नहीं तो तब तक आप 10-15 दिन में ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा स्प्रे करके और अट्रैक्ट कर सकते हैं बीज को और उनको। दूसरा जो काम है आप कर सकते हैं वो ये देखिए, आप अपने प्लांट्स के आसपास, वेजिटेबल प्लांट्स के आसपास, वेजिटेबल प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वही बहुत अट्रैक्ट करते हैं वैसे तो, क्योंकि येलो और ऑरेंज कलर के ही होते हैं ज़्यादातर। पर ये भी अपन कर सकते हैं कि उसके आसपास है ना कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट लगा दें गर्मियों में आने वाले, जो है ना येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं, जैसे कि है ना कॉस्मोस के प्लांट्स मेरे लगाए हुए हैं, और है ना गेंदा भी लगा सकते हैं हम लोग। वैसे तो बीज तो हर कलर के प्लांट्स फ्लावर्स पे ही अट्रैक्ट होती हैं, पर फिर भी येलो कलर थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ऑरेंज या येलो कलर उनके लिए। तो ये देखो आप, मैंने कॉस्मोस के प्लांट्स भी लगा रखे हैं, तो ये भी थोड़ा सा अट्रैक्शन का एक सोर्स होता है बीज के लिए। और है ना ये देखो मैंने सब्जी के पॉट्स में भी लगा रखे हैं अपने में, जिससे है ना थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हों, जैसे ये टिंडे लगे हुए हैं मेरे इस पॉट में, और टिंडे के तो बहुत छोटे फ्लावर होते हैं तो हैंड पॉलिनेशन भी नहीं करते अपन लोग ज़्यादा, तो इस तरह से अगर आप लगा देते हैं कोई भी प्लांट तो फ़ायदा होता है, उससे बीज थोड़ी सी
अट्रैक्ट होती है आपके बीज और जो और कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ये एक आप काम कर सकते हैं। बड़े छोटे से काम हैं पर इनकी वजह से ना आपको जो है बीज वगैरह अट्रैक्ट हो जाएंगी और है ना आपकी उपज में आप खुद देखोगे कि जो नेचुरल पॉलिनेशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करता है आपकी उपज को। जो आपकी सक्सेस रेट होती है फ्लावर्स के वेजिटेबल में कन्वर्ट होने की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये देखो विंका लगा हुआ है मेरे, गर्मियों में इनकी कोई केयर भी नहीं करनी पड़ती और अपने आप लगते हैं ये फ्लावर्स और उगते रहते हैं और इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए सामने मेरे पेड़ लगा हुआ है, इसमें कितने अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं। तो इस तरह से आप है ना अपने गार्डन में ना ये नेचुरल पॉलिनेटर्स को बढ़ा के और अच्छी उपज ले सकते हैं। आई होप ये छोटी सी बात है पर आपके समझ में आए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।